लोकोमोटिव लग गया हुआ है, प्रेशर वगैरह बन गया है, ट्रेन इज रेडी फॉर डिपार्चर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल, होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। रमज़ानुल मुबारक में मुसाफिरों की तादाद मुसलसल कम होने की वजह से पाक बिजनेस एक्सप्रेस और कराकरम एक्सप्रेस जो है वो कुछ देर के लिए बंद हो गई थी। जो पाक बिजनेस एक्सप्रेस है वो अभी कराची एक्सप्रेस में मर्ज होकर चल रही है। उसके अलावा जो कराकरम एक्सप्रेस है वो आज रिस्टोर हो रही है, फर्स्ट रन पर जा रही है। और रमज़ानुल मुबारक में आज 29 मार्च 2024 है। अभी कुछ देर में रेक प्लेस होगा, वो भी देखते हैं और गाड़ी का डिपार्चर भी देखते हैं। जो मुसाफिर हज़रात खसूसन लाहौर से फैसलाबाद और टोबा टैक्सिंग जाने वाले हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे या वीकली बेसिस पर थे जो फैसलाबाद टोबा टैक्सिंग से लाहौर काम के सिलसिले में आते थे, उनके लिए तो एक अच्छी खबर है कि आज अफ्तारी जो है वो घर पे ही होगी उनकी। और जो पर्टिकुलरली लोग जो है ट्रेन को प्रेफर करते हैं इस सेक्शन में, और उनके लिए अच्छी खबर है, फैसलाबाद तक हो सकता है ट्रैवल करूँ मैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो पावर आ गई है, 9013 GEU 40 लीड करेगा लाहौर से कराची तक। इसके पीछे ये रेक भी आ रहा है, पैसेंजर तो हैं इसके, रेक भी ऑलमोस्ट अराइव कर चुका है, देखते हैं अभी। तो रेक भी आ चुका है, इकोनॉमी क्लास, एक एसी स्टैंडर्ड और बिजनेस क्लास कोचेज होती हैं इसमें, और नेक्स्ट इंजन हमेशा मेरी प्रेफरेंस होती है। नेक्स्ट इंजन लगेज और जो है हाफ इकोनॉमी, वो भी इंजन के बिल्कुल क्लोज होगी। और उसके पास CFI कोचेज भी हैं रेक में, ये एक CNR आ गई है। इसके पीछे फिर रेक तो बड़ा साफ सुथरा लश लग रहा है, यानी जितने दिन खड़ा रहा है इसकी मेंटेनेंस ही होती रही है। मेंटेनेंस तो खैर डेली बेसिस पर नहीं हो सकती, जितनी ज़रूरत है वही होगी, मगर साफ सुथरा रेक ही है। बाकी जिसने कीड़े निकालने हैं वो निकालता ही रहेगा। आ जाओ पाए एक एसी स्टैंडर्ड, उसके पीछे 3 AC बिजनेस और फिर पावर वैन लगी हुई है, देखते हैं जाके। ग्यारह 275 भी CNR है, उसके पीछे 11283 83 ये भी CNR है। रेक तो बड़ा ज़बरदस्त है, इसको नॉर्मली बंद कर देना चाहिए, इसमें डस्ट जाती है, कॉन्टैक्ट ख़राब होते हैं। जस्ट चेक कर लेते हैं अंदर से, क्या बना होता बिजनेस क्लास का, साफ सुथरा रेड कारपेट वैसे ही बड़ा अच्छा लग रहा है। तो दूसरे में चलते हैं, ये दूसरी कोच है 11275, ये भी साफ सुथरी है, खाली है, यहाँ से फैन वगैरह लगा हुआ सारा कुछ इंटैक्ट है, ब्लाइंड भी लगे हुए हैं। वॉशरूम भी साफ सुथरे, हाय तीसरी कोच में चलते हैं। वैसे ही है,
एसी चल रहे हैं क्योंकि आज गर्मी अच्छी खासी, और लोकोमोटिव भी कनेक्ट हो गया, अटैच हो गया। पैसेंजर्स आ गए हैं, चलते हैं आगे। ये दूसरा, इसका भी टॉयलेट साफ सुथरा। आगे इकोनॉमी में चलते हैं। सेवना तेज का मारी और ये एसी स्टैंडर्ड। कैबिन जरा इस तरह के होते हैं, दरवाजा नहीं होता लेकिन होती वैसी है, बड़ी खुली डोली और बेहतरीन कोच। दरमियान में ये वाली सिटिंग होती है, ये बैठने वाली हो गई और ऊपर वो सीट लेटने वाली हो गई। चलते हैं इकॉनमी की तरफ। इकॉनमी तो बिल्कुल ही साफ सुथरी है, शीशा प्रिंट, सीएनआर कोच है, नीचे डस्टबिन है, बर्थें साफ सुथरी है, ग्लास एंगल भी लगे हुए हैं, फैन है और लाइट शाइट भी चल रही है, सारा कुछ। अफतारी का सामान भी आ रहा है, यानी आप गाड़ी में से परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये टॉयलेट है साफ सुथरा, ये सारा कुछ ही ओके है माशाल्लाह। बड़ी सही बनाई है गाड़ी, रेक बड़ा सही है। नहीं आज इफ्तारी सही टाइम पे घर पे होगी, फैसलाबाद और टोबा टैक्सिंग की आवाम के। तो आपको मेरी वीडियो में थोड़े बहुत जिटर्स नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जहाँ आवाम आती है वहाँ मैं कैमरा नीचे कर लेता हूँ। ये साफ सुथरी कोच है। खाना बिरयानी खाली, डब्बा ही खाली। इफ्तारी करेंगे थोड़े को। बिरयानी किन्ने दी भला? बिरयानी किन्ने दी भला? जिन्ने दी आपको। जिंदाबाद। वॉशरूम इसके भी साफ सुथरे हैं, बिल्कुल ही नई फ्रेश कोचीज लगी हुई हैं। सो लोकोमोटिव लग गया हुआ है, प्रेशर वगैरह बन गया है, ट्रेन इज रेडी फॉर डिपार्चर। तकरीबन 7 मिनट बाकी हैं और आज फर्स्ट डे जा रही है कराकरम एक्सप्रेस। इससे पहले इसके पैसेंजर्स को मिले था एक्सप्रेस में कंपनसेट किया जा रहा था फैसलाबाद से, और लाहौर वाले जो पैसेंजर्स हैं वो 16 डाउन कराची एक्सप्रेस में मर्ज हो रहे थे। इसके पैसेंजर भी और जो साथ में है आपकी 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस भी। तो पाक बिजनेस अभी नहीं रिस्टोर हुई, ये आज चल रही है फर्स्ट डे, और देखते हैं कि कितना पैसेंजर है। इकॉनमी तो इतनी ज़्यादा नहीं है जिस तरह कराकरम होती है, मतलब तकरीबन ही खाली है। 2:59 हुए थे और इनिशियल विसल हो गया था, जितने देर मैं कैमरा ऑन किया है साथ ही फाइनल विसल भी हो गया, लगेज भी सारा वाइंड अप हो गया है और गाड़ी मूव हो गई है। और लेट्स ट्रैवल विद 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस ऑन इट्स फर्स्ट रन। चलते हैं। विसल बड़ा तगड़ा था, मजा आया। दूसरी तरफ 320 कपल हो रहा है 7 अप तेजगाम को, क्योंकि आजकल अक्सर हैरानकुन तौर पे राइट टाइम आ रही है। आजादी मना रही है। तो मैंने बैंग ऑन टाइम बड़े अरसे के बाद ऐसा डिपार्चर देखा है, यानी 2:59 पे विसल हुआ है और पूरे 3 बजे फाइनल विसल हुआ है और गाड़ी खैर से रवाना हो गई है। ये कह लें कि मेरा जो सेल फोन है उस पर 1 मिनट का लैग है, और
कम स्टॉपेजेस हैं कराकरम एक्सप्रेस के, लाहौर से चलने के बाद फैसलाबाद, वहाँ से सीधी टोबा टेक्सिंग, खानेवाल से मुल्तान नहीं जाते, ये टर्न हो जाती है वाया जहानिया, सीधा बहावलपुर निकलती है, उसके बाद रोड़ी, हैदराबाद, कराची। अफ्तारी आज इंशाल्लाह फैसलाबाद में होगी, GMU 15, उसके पीछे एक RG 24 भी नजर आ रहा है। तो इन बर्थ को ऊपर उठा लेते हैं, इसका तरीका ये होता है ऐसे ऊपर करें तो ये वाला लॉक इसके अंदर ऐसे लगा दें और मेक श्योर कर लें इसको ऐसे लॉक लगा दें। दूसरी साइड पे ये नहीं होगा, इधर वाली को ऐसे ही रहने देते हैं। शादरा से गाड़ी, तीन ट्रैक्स निकलते हैं, ये वाला नारोवाल की तरफ दरमियान वाला मेन लाइन है जो रावलपिंडी पिशावर जाता है, और लेफ्ट साइड पे जो है वो फैसलाबाद सेक्शन है, वहाँ पे भी ट्रेन टर्न होगी ये सामने, यहाँ से नहीं वो आगे जाके टर्न होती है लेफ्ट साइड पे टूवर्ड शेखुपुरा, फरुखाबाद, सफदराबाद, सांगला हिल, चकुमरा और फिर फैसलाबाद। तो ये वो कर्व है जिसकी मैं बात कर रहा था, दूसरे ट्रैक उस तरफ चले जाते हैं, वो नजर आ रहे होंगे आपको, एक ये और एक वो, और अपनी गाड़ी जो है वो अप टू वर्ड फैसलाबाद अब टर्न होगी यहाँ से। बड़ा जबरदस्त विसल हुआ है, लेकिन यासिर भाई की कॉल आई हुई थी, कैप्चर नहीं हो सका, और सेक्शन में काफी ग्रीनरी, हरियाली काफी नजर आती है क्योंकि जरा इलाका है, और स्टॉप इसका कोई नहीं है दरमियान फैसलाबाद तक। बद्रा एक्सप्रेस है वो और शालीमार एक्सप्रेस, वही दो गाड़ियां चल रही थी इस रूट पे, फैसलाबाद के लिए आपको कराकरम भी मिल गई है दोबारा। तो कराकरम एक्सप्रेस ग्रीन लाइन की इनॉग्रेशन से पहले तक पाकिस्तान की नंबर वन ट्रेन थी स्टॉपेजेस के लिहाज से भी और फैसिलिटीज के लिहाज से भी, और डाइनिंग कार इसमें कभी भी नहीं हुई, लेकिन डाइनिंग सर्विसेज इसमें जो पेंट्री कार है वो जरूर होती है, खाना इसमें मिल जाता है। अभी मैंने आपको दिखाया था जो पावर वैन है उसके अंदर ही इसकी पेंट्री कार होती है, अभी बिरयानी वगैरह की आवाज़ें तो आ रही थी, यानी अफ्तारी आप यहाँ से भी कर सकते हैं गाड़ी के अंदर से भी, और लच्छी के रस्ते में अगर जरूरत पड़ी, मैं तो वैसे जब उतरूंगा 5 बजे होगी अफ्तारी इंशाल्लाह घर पर ही होगी, और देखेंगे कि इनके पास क्या सर्विसेज है, कौन कौन आता है गाड़ी में। पेपर लाइन क्लियर एक्सप्रेस, सामने आपको टॉयलेट इंडिकेशन नजर आ रही है, यानी ग्रीन लाइट वैकेंट है, अगर ऑक्यूपाइड होगा तो रेड हो जाएगी, अभी ये खाली है दोनों, आप जाके देख सकते हैं कि टॉयलेट आपका खाली है। दो नहरें हैं ये बड़ी जबरदस्त।
और 10 मिनट का डिले है शेखू बराबर के पास। ये डिले तकरीबन 28 मिनट तक क्रॉस कर गया था कॉशन की वजह से, और अभी देखें कि 10 मिनट का रह गया, अगर इसी तरह जाती रही तो होपफुली राइट टाइम पहुँचेगी। और बदरा एक्सप्रेस 113 आप रास्ते में कहीं नज़र आई तो देखेंगे, वरना होपफुली नज़र नहीं आएगी। जिसकी वजह से सांगला हिल कहा जाता है, ये पहाड़ी है, ये रही। और नहर गुजर रही है और ब्रेक सप्लाई हो गई है, इसका मतलब बदरा एक्सप्रेस ऐसा क्रॉस आने लगा है सांगला में, और वन डाउन है, थ्रू नहीं है। लो जी मैं बात कर रहा था सांगला हिल की, इस चोटी की वजह से इसे हिल कहा जाता है सांगला हिल, और इस पे बड़ा एक अच्छा तफरीही मकाम भी है, इस पे सीढ़ियां जाती हैं, आप सीढ़ियों के थ्रू इसके टॉप पे जा सकते हैं। अल्लाह अकबर, बहुत कितने वक्त बचा लिया इन्होंने। ये पीएलसी का रोड है, साजी बच बचा हो गया। पीएलसी के लिए गाड़ी प्लेटफॉर्म से थ्रू पास होगी स्लो, और अगर कोई उतरना चाहता तो इसी तरह उतरना था, यानी अब तो ज्यादा स्लो हो गई है गाड़ी, बड़े आराम से उतरा जा सकता है यहाँ से। टॉकिंग अबाउट यहाँ से ये राइट साइड पे टर्न होगा टूवर्ड चनियोट और आगे सरगोधा खुशाब, वहां से मियां वाली वाया कुंडिया, और यही ट्रैक जो जाता है मैं आपको बताता हूँ अभी, ये इस तरह जाएगा और फिर उस तरह से भी ऐसे बाईपास है, यानी लोकोमोटिव अगर उस तरह से आके रिवर्स चले जाता है इस तरह वापस आके
जो कसूर पे आपने देखी होगी, कसूर जंक्शन पे मुटन टेबल का काम करता है। ये नहीं, ये अगर ट्राइंगल ऐसे जाके फिर ऐसे हो जाती है, यानी इस तरफ को लोकोमोटिव जाए यूं मुड़ के रिवर्स जाए तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। प्रैक्टिकली वीडियो में दिखाऊंगा, ऐसे आपको मजा नहीं आना। बाद आ गया और सीटों के हालात ऐसे हो गए हैं, अब जो बैठेगा वो तो यही कहेगा जी गाड़ी गंदी है, लेकिन एक्चुअली गाड़ी तो साफ आई थी और मैंने फिर आलतन भी पट्टी कर ली है और पानी था वॉशरूम में, फ्रेश होने का यहाँ पे टाइम मिल गया तो पानी मिल गया तो सब मिल गया। और फैसलाबाद में गाड़ी पहुंच रही है और कराकरम एक्सप्रेस चलने का ये फायदा हो गया, सारी जो फैसलाबाद में हो सकती है, वरना फैसलाबाद आने के लिए जो डेली बेसिस पर लोग आ रहे थे या जो कारोबार के लिए आते हैं उनके पास फैसलाबाद से आके वापसी रात को ने कहा मुझे बदल गया जो रात के 11 तो 5:20 हो रहे हैं और गाड़ी फैसलाबाद पहुंच गई है और नॉर्मली ये 4:35-4:40 पे ही आ जाती है 1.5 से 2 घंटे में। और मैंने ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं किया कभी, मगर इसके पैसेंजर्स कहते हैं कि ये बिफोर टाइम आती है, मगर आज इमेंस ऑफ कॉशन तकरीबन 8 तो मैंने गिने हैं जिनमें PLC पेपर लाइन क्लियर या कॉशन है वो तो सारा कुछ मिला के भी सांगला में भी ये लूप लाइन से गुजरी है और उसके बाद गाड़ी 2:20 में आई है। मगर बाय रोड की नस्बत ये 1000 गुना बेहतर सफर है, कंफर्टेबल है और 1000 रुपए में फैसलाबाद आ रही है 9 AC। पैसेंजर्स यहाँ पर भी हैं, लेट्स सी कितने हैं, कम ही होगी आज। जहाँ कुछ हवा दी नजर आती है वहां मैं कैप्चर नहीं करता। और एक और भाई ने बड़ा कीमती वक्त बचाया अपना जंप लगा के, पैसेंजर तो है यहाँ पे भाई, सबको पता है कराकरम आ रही है। फैसलाबाद ने तो सही स्वागत किया भाई कराकरम एक्सप्रेस का, या जैसे सारी इसी का इंतजार कर रहे थे। कराकरम सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। फैसलाबाद में पहुंच चुका हूँ, इंशाल्लाह अब कराकरम एक्सप्रेस रिस्टोर हो गई है और पार्क बिजनेस रहती है, इंशाल्लाह जिस दिन वो भी चलेगी उस पर भी ट्रेवल करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, दुआओं में याद रखिएगा मेरे दोस्त। अल्लाह हाफिज़।